बिहार के कैमूर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों के बीमार होने की खबर है। सूचना मिलने पर पहुंचे डीएम और एसपी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बड़ी मशक्कत के बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि काफी दिनों से इलाके में अवैध शराब का कारोबार चल रहा था, जबकि पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। जानकारी हम लोगों को मिला शाम को कि कुड़ासन गांव में 3 लोगों की दारू पीने से मौत हो गई है और 2-3 लोग जो बीमार हैं, सीरियस हैं, वो लोग कहीं भर्ती हैं। यही हम लोगों को जानकारी मिला, तो अभी हम लोग आए हैं कुड़ासन गांव में पता करने के लिए भाई मामला क्या है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मोतिहारी के बरियारपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए शराब कारोबारी के घर से 92 कार्टून अंग्रेजी शराब और अवैध इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया है। मामला मोतिहारी के छतैनी थाना क्षेत्र की है। ये छतौनी में कल 92 कार्टन शराब बरामद किया गया है मुकेश कुमार राय और शंभू कुमार राय के आवासीय परिसर से। ये शराब कैप्टन ब्लू ब्रांड का है, जो कि चंडीगढ़ में निर्मित बॉटल पर लिखा हुआ है और हिमाचल प्रदेश में बिक्री के लिए लिखा हुआ है उसके बॉटल पर। ये साथ ही वहाँ से कुछ डिब्बे मिक्सर ग्राइंडर के भी बरामद हुए हैं हेवेल्स के। 25 दिन पहले किसी तरीके के मामले में एक कंटेनर से लगभग 100 से ज़्यादा। रुक करते हैं हाजीपुर का। हाजीपुर में पुलिस ने कई होटलों में छापेमारी की। इस दौरान आपत्तिजनक हालत में युवक युवती को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही एक अन्य युवती को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को कई दिनों से देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एक टीम गठित कर छापेमारी शुरू कर दी। नियंत्रण के दृष्टिकोण से अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु आज हाजीपुर में होटल व्यवसाय में लगे होटलों का जांच किया गया है और अभी किया भी जा रहा है। स्टेशन रोड में स्थित होटलों का चेक किया गया है। एक होटल में एक पेयर पकड़ा है लड़का लड़की का, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है। एक अन्य होटल में भी एक महिला मिली है, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है कि किस परिस्थिति में आते। राजधानी पटना से सटे दिघा थाना क्षेत्र के बाटागंज के पास ह्युंडई सर्विस सेंटर में गार्ड का काम करने वाले सिपाही की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक सिपाही राम कल शाम को ड्यूटी करने आए थे। बताया जा रहा है कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के कारण क्रम में उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन सर्विस सेंटर पहुंचे और मुआवजे को लेकर हंगामा किया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। क्या हुआ सर? सुबह पर ड्यूटी करने आए हैं, ड्यूटी किए और छुट्टी के टाइम चाबी टांगने गए, गिरे तो गिरले रह गए और यहाँ के स्टाफ लोग उल्टे में। मोतिहारी में भारत फाइनेंस कंपनी से लाखों रुपए के लूट के मामले में मोतिहारी पुलिस ने हथियार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी के लूट के पीछे कंपनी से ही जुड़े एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दरपा थाना क्षेत्र में भारत फाइनेंस कंपनी से लाखों रुपए की लूट की गई थी। भारत फाइनेंस कर्मी से दरपा थाना क्षेत्र में 125,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसमें कांड दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। उसी मामले में 3 अपराध कर्मियों विभास कुमार, शशि रंजन कुमार और राहुल कुमार राम, जो क्रमशः छोड़ा दानो लखौरा और छोड़ा दानो थाना क्षेत्र के निवासी हैं, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके पास से 2 अवैध हथियार, 4 गोली और कुछ मादक पदार्थ बरामद किया गया है। इन अपराध कर्मियों के द्वारा फिर स्वीकार किया गया कि इससे पूर्व भी ये नवंबर और दिसंबर में एक एक कांड किए थे भारत फाइनेंस कर्मी से ही।